अस्सलाम वालेकुम। आज हम घी बना रहे हैं, तो गर्मियों में घी किस तरह से बनाना है और एकदम से फटाफट किस तरह से उसका मक्खन निकलेगा वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी मक्खन इसका निकल आएगा। तो ये हमने ठंडा पानी ले लिया है, एकदम फ्रीजर का ठंडा पानी है ये, और ये हमारी 10 दिन की मलाई है। फ्रीजर से हमने इसको बाहर निकाल कर रख दिया था, तो ये अभी एकदम सॉफ्ट हो चुकी मलाई हमारी। और एक चीज़ डालने से बहुत फटाफट मक्खन इसका निकल आएगा, तो वो है गेहूं का आटा। तो 1 चम्मच हमने गेहूं का आटा लिया है। तो अब देख सकते हो मलाई हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो आपको जब भी घी बनाना हो तो आप मलाई पहले से ही बाहर निकाल कर रख दीजिए 4-5 घंटा, तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और ये इस तरह से बड़ा सा बर्तन ले लेना है। अभी पूरी मलाई हम इस बर्तन में डाल देंगे। तो आप देख सकते हो मलाई हमारी एकदम वाइट वाइट है। तो आपको एक टिप यहाँ देना चाहेंगे हम, जब भी आप मलाई इकट्ठी कर रहे हो तो थोड़ा सा दही उसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो आप दही उसके अंदर ऐड कर दोगे तो इस तरह से आपकी भी मलाई वाइट वाइट ही रहेगी। आप हमारी मलाई देख सकते हो, तो ख़राब भी नहीं होती है और उसके अंदर पीलापन भी नहीं आता है। तो जब भी आपको मलाई इकट्ठी करनी हो तो आप नीचे थोड़ा सा दही डाल दीजिएगा, फिर उसके ऊपर मलाई डालते जाइएगा आप और इकट्ठी करते जाइएगा। जब आपको घी निकालना हो तब आप उसका घी निकालिएगा, तो इस तरह से आपकी मलाई वाइट वाइट रहेगी। तो ये टिप्स ध्यान में रखिएगा आप, तो आपकी मलाई कभी ख़राब नहीं होगी और वो पीली भी नहीं होगी। तो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हम इसको घुमाते हुए चला लेंगे 4-5 मिनट, बाद में हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो 4-5 मिनट हमने इसको चला लिया है और इस तरह से ये हो चुकी है, आप देख लीजिए। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और आप खुद देख लीजिएगा कितने जल्दी इसका मक्खन निकल आएगा। इसी तरह से हम एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते रहेंगे और इसका मक्खन अपने आप ऊपर निकल कर आ जाएगा। बहुत जल्दी से निकल जाता है ठंडे पानी से। तो गर्मियों में आप ठंडे पानी का यूज़ कीजिए या फिर आप आइस क्यूब भी डाल सकते हो, उससे भी फटाफट निकल आएगा। पर ये हमने फ्रीजर में ही रख दिया था पानी, तो हमारा पानी ठंडा है बहुत है। इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में हम इसको और 4-5 मिनट इस तरह से घुमा लेंगे तो अपने आप मक्खन निकल आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम इसके अंदर, तो आप खुद देख लीजिएगा कितने जल्दी इसका मक्खन निकल आएगा। तो आप देख सकते हो लगातार हम इसको चलाते ही रहे, 5 से 6 मिनट पूरा हो चुका है, हाथ को बिल्कुल हमने रुकाया नहीं है, इस तरह से चलाते हो। आप देख सकते हो मक्खन के गोले आपको नज़र आ रहे होंगे, अलग अलग हो चुके हैं, देख लीजिए आप। और थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड किया है, तो पूरा ही पानी हमने ऐड किया है ये बोतल भर के हमारी, तो आप देख लीजिए। अभी हम इसको निकाल देंगे, तो इस तरह से जाली वाला लेंगे तो उसके अंदर पानी पूरा अच्छे से निकल जाता है। तो आप भी इस तरह का ही लीजिएगा, तो सब मक्खन हम निकाल देंगे इसमें से, पानी पानी नीचे चला जाएगा, आप खुद देख लीजिए और अच्छे से मक्खन निकल जाएगा। तो बड़ा सा पतीला ले लेंगे क्योंकि बड़े से इसमें हमको बनाना होता है, उसमें बॉयल आता है तो फिर वो बाहर निकलने लग जाता है। तो बड़ा ही लीजिएगा आप जब भी घी बना रहे हो। इस तरह से हम इसमें सभी निकाल कर डाल देंगे मक्खन हमारा। तो आप देख सकते हो सभी मक्खन हमने इसमें से निकाल दिया है, देख लीजिए आप अच्छे से निकाल दिए हमने। और ये हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम पनीर तैयार कर लेंगे। जब हमने ठंडी में घी किस तरह से बनाना है वो वीडियो अपलोड किया है, तो उसके अंदर हमने आपको बता दिया है कि इससे हम पनीर किस तरह से बनाते हैं, तो हम उसी तरह से इसका पनीर तैयार कर लेंगे। तो इसको फेंकेंगे नहीं। आपको पनीर तैयार करना हो तो आप पनीर तैयार कीजिए, या फिर आप इसकी कढ़ी भी बना सकते हो, या फिर इसको छाछ की तरह आप पी भी सकते हो, ज़ीरा वो डालकर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इसका पनीर तैयार कर लेंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें हमने बताया है पनीर किस तरह से इसका तैयार करना है। और आप मक्खन देख लीजिए कितना इसका मक्खन निकल आया है। तो आप देख सकते हो पतीले को हमने गैस के ऊपर रख दिया है, गैस को अभी हम चालू कर लेंगे।
तो आप देख सकते हो गैस हमने चालू कर दिया है, तो कितने जल्दी घी हमारा तैयार हो जाएगा वो भी आप देख लीजिएगा गेहूं के आटे से हमारे। तो ये भी आपके लिए टिप है हमारी। तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अभी इसको पकने देंगे हम, फिर बाद में हम गेहूं का आटा इसके अंदर मिक्स करेंगे, अभी नहीं करना है। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये ऊपर आने लग जाता है। तो इस तरह से आप बड़ा सा पतीला लीजिए, जब भी आप घी बना रहे हो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर ये बॉईल बाहर आ जाता है, तो फिर आपका घी पूरा वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा बाहर। तो इस तरह से बड़ा सा ही लीजिएगा आप, तो ये अंदर ही रहता है, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो 2 ही मिनट इसको हो चुका है, इसका बॉईल पूरा नीचे चला गया है। तो अब हम इसके अंदर आटा मिक्स करेंगे, जो हमने 1 चम्मच आटा लिया था गेहूं का, और आप देख सकते हो इस तरह से करना है सब तरफ इस तरह से। आप खुद ही देख लीजिएगा कितनी जल्दी इसका घी निकल आएगा फटाफट एकदम से। इस टिप्स के साथ जरूर से आप ट्राई कीजिएगा। तो सभी आटा हमने इसके अंदर डाल दिया है, अभी आटा डालकर 2 सेकंड भी नहीं हुए हैं तो घी निकलना चालू हो चुका है। तो आप खुद देख लीजिएगा कितनी जल्दी इस तरह से घी निकल आ रहा है, आप देख लीजिए। तो कुछ ही सेकंड में आपका घी निकल आएगा। अभी हमने 2 इलायची ले ली है, इस तरह से इसका मुंह खोल दिया आप देख सकते हो। हम इसके अंदर इलायची डालते हैं, आप जो डालते हो आप वो डालिएगा, कोई पान डालता है कोई लौंग डालता है, लेकिन हम इलायची डालते हैं। तो इस तरह से हमने इसको खोल दिया, ये डाल देंगे। तो 2-3 मिनट में आपका घी तैयार हो जाएगा, बस ज़्यादा वक्त लगना ही नहीं है इसके अंदर। एक ही बार हम इस तरह से इसको चला लेंगे बस, फिर हमारा घी तैयार हो जाएगा। तब 1 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, फिर दिखाएंगे आपको कि हमारा घी किस तरह से तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हो गैस को हमने बंद कर दिया है, अभी हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको कांच की बोतल में छान लेंगे बारीक वाली छन्नी से हमारे। तो आप भी इसी तरह से कीजिए, बारीक वाली छन्नी से आप इसको छान कर रख दीजिए, और ठंडा होने के बाद ही आपको छानना है इसको, कांच की बोतल में रखना हो तो, या आप स्टील के डब्बे में रख रहे हो तो छान सकते हो आप, पर गर्मा गर्म आप इसको कांच की बोतल में मत छानिएगा, ठंडा होने के बाद ही छानना है। गरम आप छानना चाहते हो तो स्टील के डब्बे में आप छान कर रख सकते हो। और आप देख सकते हो हमारा घी कितने फटाफट बनकर तैयार हो चुका है, वो भी कितने अच्छे से, देखा ना आपने कितनी जल्दी हमने इसको तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी वक्त इसके अंदर लगा नहीं है। और ये भी देख सकते हो आप, ये नीचे नहीं लगा है। तो यही सब टिप्स आपको ध्यान रखनी है, वो नीचे लग जाता है तो वो फिर घी खराब हो जाता है, उसकी पूरी वो जली हुई स्मेल उसके अंदर आ जाती है। तो आप देख लीजिए तले में आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो आपको इसको लगातार चलाते भी रहना है, लगने मत दीजिएगा इसको, जलने मत दीजिएगा। तो आप देख सकते हो हम आपको हटाकर दिखा रहे हैं। तो गेहूं का आटा डालने से ये नीचे चिपकता भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको इसको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। तो आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसको कांच की बोतल में छान लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे सर्व कर कर। तो आप देख सकते हो घी को हमने ठंडा होने के बाद छान लिया है कांच की बोतल में। तो आप देख लीजिए कितना सारा घी हमारा निकल आया है, इस तरह से हमने कांच की बोतल में इसको रख दिया है। तो गर्म में तो हम आपको नहीं दिखा सकते, तो ये हमारा पहले वाला है, ये ठंडा है, तो इसको हम दिखाना चाहेंगे आपको, क्योंकि हम हमेशा घी निकालते ही है। तो आप देख सकते हो कितना दानेदार घी हमारा बनता है, ये देख लीजिए आप, ये हमारा पहले वाला घी है। हम हर हफ्ते घी निकालते हैं 10 दिन में 15 दिन में। आपको नजर आ रहा होगा, हम आपको एकदम क्लोजअप में दिखा रहे हैं किस तरह से दानेदार घी हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए बनकर तैयार है घी।
तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार से जरूर ट्राई कीजिए, जिस तरह से हमने बताया उस तरह से टिप्स को आप जरूर से ध्यान में रखिएगा और इस तरह से घी फटाफट बनाकर तैयार कीजिए। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारे रेसिपीज की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।